नमस्कार दोस्तों, ये भाई साहब आए हुए हैं हमारे पास। ये 2 महीने पहले एक इंजन लेके गए थे आयसर का, पुराना इंजन हमारे यहाँ से ट्रैक्टर खुला हुआ है। ये बताएंगे आपको कैसे एवरेज दे रहा है, ये किस काम में इन्होंने लगाया हुआ है, उसकी वीडियो भी लेकर के आए हैं दिखाने के लिए हमें। तो आपको वीडियो भी इसमें जोड़ देंगे, आपको दिखा देंगे कैसे काम कर रहा है इनका इंजन। कहाँ से आए भाई साहब आप? एटा नोले पहला एटा से छत्तीस एटा से। आपने इंजन किस काम में लगाया हुआ है अपना, वो लेके थे हमारे यहाँ से? पिलर के लिए। आप दोनों चक्की और स्पिलर एक साथ हाँ, चलाते हो एक उससे, साथ चलाते हैं एक साथ ही दोनों जी। काम हाँ करते हैं उससे। हाँ जी, एवरेज कितना रहता है उसका घंटे के अंदर? 1 घंटे में, 1 घंटे में 1.5 लीटर लेता है। 1 घंटे के अंदर 1.5 लीटर का डीजल का हाँ एवरेज रहता है जी, उसका, डबल लोड पे डबल लोड पर। और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया और चल रहा है? सिंगल पे 1 लीटर लेता है। सिंगल अगर कोई चीज चलाते हैं तो 1 लीटर हाँ खाता है, दोनों जी, चीजों पर 1.5 लीटर डेढ़ चलता है लीटर आपका, है ना? और कोई किसी प्रकार की कोई नहीं, दिक्कत ना नहीं है, कुछ बढ़िया कमी चल नहीं, रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई? 2 महीने बढ़िया में चल खूब रहा है। बढ़िया चल रहा है ना आपका? हाँ तो इनका पुराना जो इंजन लेके थे हमारे यहाँ से, वीडियो बना के लाए हैं आपको, वो भी इसमें पीछे जोड़ के दिखाएंगे हम आपको। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, वो भी आपको दिखाते हैं। पुराने इंजन हमारे पास अब भी काफी स्टॉक आया हुआ है, आपको दिखाते हैं सारे। डबल के इंजन यह अवेलेबल देखिए है क्या? हमारे पास पुराने आइसर ट्रैक्टर के खुले हुए इंजन काफी आए हुए हैं क्वांटिटी में, अभी आप देख सकते हो। अगर किसी को नए इंजन चाहिए आइसर के, ब्रांड न्यू पेटी पैक इंजन, तो हमारे पास वो भी इंजन आए हुए हैं अभी। यह देखिए आप, हमारे यहाँ जनरेटर भी तैयार किए जाते हैं मैसी के इंजन पर, नया जनरेटर रेडी किया हुआ है हमने। ये देखिए आप, ट्रॉली पर रेडी है बिल्कुल। ये सिंगल फेस में 25 KVA का हमने रेडी किया हुआ है। किसी को 25 KVA, 30 KVA, 40 KVA, 45 KVA चाहिए तो हमारे पास सारे रेडी मिलेंगे आपको। यह देखिए हमने आयसर 50 HP का रेडी किया हुआ है, ये 35 KVA ऑल्टरनेटर इसमें लगाया हुआ है, 3 पेज के साथ प्योर कॉपर बाइंडिंग में। ये एक और मैसी का रेडी रखा हुआ है यहाँ पर, यह 3 सिलेंडर एयर कूल्ड का रखा हुआ है, आप देख सकते हो। यह देखिए डबल सिलेंडर एयर कूल्ड में रेडी है हमारे पास। और भी काफी सभी प्रकार के ट्रैक्टरों के पुराने इंजन हमारे पास मिलेंगे आपको। जनरेटर रेडी कराने हैं तो जनरेटर भी हमारे यहाँ रेडी हो जाएंगे, आप देखिए। अभी हाल ही में हमारे पास टावर के निकले हुए सेकंड हैंड इंजन भी आया है, जो कुछ नई जैसी कंडीशन में, वो भी आपको दिखा देते हैं। यह देखिए टावरों के निकले हुए, अगर किसी को इंजन चाहिए और पुराने, तो हमारे पास बढ़िया अच्छी कंडीशन में टावरों को निकले हुए इंजन भी अभी आए हुए हैं, ये आप देखिए। यह एनसी इंजन है, अगर रिकार्डो चाहिए हो टावर निकले हुए तो रिकार्डो इंजन भी हमारे पास आए हुए हैं, ये आप देखिए। रिकार्डो इंजन टावर निकले हुए 2018 मॉडल है, बिल्कुल नई जैसी कंडीशन में, आप देख सकते हो। ये देखिए कंडीशन है इस इंजन की, बिल्कुल चाबी से स्टार्ट है ये देखिए आप। अगर मैसी के, सिमसन के नए इंजन चाहिए हो आपको, तो नए इंजन भी हमारे पास है, ये देखिए आप। आयसर 22 HP का एयर कूल्ड का नया इंजन, आप देखिए, ब्रांड न्यू बिल्कुल कंप्लीट इंजन है दोस्तों। यह इंजन हमारे यहाँ से लेके थे किसान भाई, इन्होंने लगाया हुआ है। देखिए काउंटर के जरिए दोनों चीज़ एक साथ चला रहे हैं, चक्की भी चला रहे हैं और स्पेलर भी चला रहे हैं, एक ही साथ दोनों चीज़ें चला रहे हैं ये। और इनका डीजल की बात करें एवरेज की, तो घंटे के अंदर दोनों चीज़ चलाने पर 1.5 लीटर आता है, और एक सिंगल चीज़ अगर कोई चलाते हैं स्पेलर या चक्की, तो घंटे के अंदर 1 लीटर का एवरेज आता है। सबसे बढ़िया एवरेज आयसर का रहता है, इसके मुकाबले कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है आयसर के अलावा, सब सब चीज़ पहले इसके सामने। बहुत डिमांड रहती है इस इंजन की, अगर किसी भी किसान भाई को चाहिए तो हमारे पास आ सकते हो। आगरा में दुकान है हमारी, हजारी लाल जैन ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से। मेरा मोबाइल नंबर है 9412720387, ये आप देख सकते हो, सब आपके सामने है, दोनों चीज़ एक साथ चल रही हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसान भाइयों के पास पहुँच सके। अगर किसी भी किसान भाई को ज़रूरत हो इस प्रकार की जुगाड़ बनाने की, तो हमारे यहाँ से उसमें इंजन आसानी से मिल सके।